ग्वालियर पुलिस ने एक बड़ी सफलता हासिल करते हुए 2,33,000 रुपए के नकली नोटों के साथ 4 आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। पूरे मामले की जानकारी देने के लिए ग्वालियर एसपी अमित सांगी ने मंगलवार के दिन ग्वालियर के एसपी ऑफिस में एक प्रेस वार्ता आयोजित की। ग्वालियर एसपी अमित सांगी ने प्रेस वार्ता के दौरान पत्रकारों को जानकारी देते हुए बताया कि 10 दिन पहले पुरानी छावनी थाना पुलिस ने 4,700 रुपए के नकली नोटों के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया था। इस आरोपी को पुलिस रिमांड पर लिया गया था। इस आरोपी से पूछताछ करने पर और आरोपी की निशानदेही पर 3 अन्य आरोपियों को भी ग्वालियर पुलिस ने गिरफ्तार किया। पकड़े गए आरोपियों से अब तक 2,33,000 रुपए बरामद हो चुके हैं। ये 27 तारीख को थाना पुराना पुरानी छावनी में एक आरोपी पकड़ा गया था जो कि बदनापुरा का था। उसके पास से 4,700 रुपए के नोट बरामद हुए थे। इसके उपरांत इससे पूछताछ करने पर लगभग 10 दिनों की मेहनत के उपरांत अभी इसमें 3 आरोपी और अरेस्ट हुए हैं और कुल मिला के 2,33,000 रुपए के नोट बरामद हुए हैं। और इसमें जो मुख्य आरोपी अभी जो समझ में आ रहा है प्रारंभिक पूछताछ में, वो एक सीवान का रहने वाला है और वो अपनी एक चेन बना के ये नकली नोट सप्लाई करता था। ये जो हमारा आरोपी पकड़ा गया था उसके हमने 10 दिन का पुलिस रिमांड लिया था। अब जो आरोपी पकड़े गए हैं इनका पुनः पुलिस रिमांड लिया जाके और प्रयास किया जाएगा कि जो मुख्य आरोपी जिसका नाम आ रहा है उसको हम जल्द से जल्द पकड़ें। कुल मिला के ये एक बड़ा अच्छा इन्वेस्टिगेशन था जिसमें प्रारंभिक तौर पे एक लोकल जो लड़का था उसके पास से नोट मिले थे और उसको पकड़ के आगे इन्वेस्टिगेशन होता रहा और कुल मिला के इसमें एक बड़े रैकेट का होने की आशंका है। और मुझे उम्मीद है कि जैसे जैसे हमारा इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ेगा हम इसमें और सफलता इसमें हम अर्जित करेंगे। क्या बाहर के देश भी और भी कई देश आने लगे जैसे नेपाल या बांग्लादेश? नहीं, ये अभी चूंकि अभी तक हमने जिनको पकड़ा है ये नोट लेके और अलग अलग हिस्सों में सप्लाई कर रहे थे। अब जब मुख्य आरोपी पकड़ाई में आएगा तब ये पता चलेगा कि और कनेक्शन कहाँ पर है। इसमें अभी एक पुष्टिकृत तो नहीं है परंतु ये जानकारी भी मिल रही है कि गोरखपुर में भी एक अपराध पंजीबद्ध हुआ है और जो मुख्य आरोपी हमारे पुरानी छावनी के केस में है वही गोरखपुर के केस में भी है और वहाँ जिस आरोपी को अरेस्ट किया गया उसके एक साथी को अभी हमने इसी केस में पकड़ रखा है। तो ये अभी वहाँ से हमको FIR की कॉपी और बाकी इन्फॉर्मेशन आनी है परंतु ये जानकारी अभी हमको सूत्रों से मिली है। वहाँ अभी तक कितने आरोपी अरेस्ट? अभी चार आरोपी अरेस्ट हो गए।